अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, चलिए आज मैं तुम्हें बैंक के बारे में बताती हूँ। आज हम बैंक का तारुफ पढ़ेंगे, आइए समझ लें। बैंक हुकूमत से मंजूरशुदा एक मालियाती इदारा होता है। मालियात यानि पैसे, जिनसे पैसों का लेन देन किया जाता है, ऐसे इदारे को हम बैंक कहते हैं। बैंक की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमें मिलने वाली रकम, जो तनख्वाह या जो भी हम कमाते हैं, उसे हम मुख्तलिफ खर्चों में, जैसे कि शॉपिंग करना, सब्ज़ी फल वगैरह खरीदना, कपड़े खरीदना, इन कामों में हम अपने पैसे सर्व करते हैं। मगर कमाई हुई रकम में से बची हुई रकम को हम गुल्लक में या मनी बैंक में जमा करते हैं, ताकि उन रकम का इस्तेमाल हम अपने बच्चों की आला तालीम के लिए या घर की तामीर के लिए या फिर मेडिकल खर्च के लिए, खेतीबाड़ी के कामों के लिए या दीगर इखराजात के लिए हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सके, हम पैसे जमा करते हैं। मगर इस तरह से गुल्लक में पैसे जमा करने का तरीका बहुत ही पुराना हो चुका है। अभी जदीद दौर में बैंक आ चुके हैं, जिनमें हम अपने रकम जमा कर सकते हैं। बैंक से हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि हम बैंक में जितनी रकम जमा करते हैं, कुछ अर्से बाद हम उन्हें वापस निकालें तो हमें वो रकम बढ़कर मिलती है। जितने ज़्यादा अरसे में हम पैसों को बैंक में रखें, हमें उतने ही ज़्यादा पैसे बढ़कर मिलते हैं। इसीलिए बैंक जो है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बैंक से हम कर्ज भी ले सकते हैं, बैंक में अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट के तौर पर भी हम जमा कर सकते हैं। थैंक यू।